महावीर का नाम मंगल मंगल है, ले लो प्रभु का नाम मंगल मंगल है। महावीर का नाम मंगल मंगल है, ले लो प्रभु का नाम मंगल मंगल है। रिशला के लाल दुलारे भारत कुल उजियारे, रिशला के लाल दुलारे भारत कुल उजियारे, भक्तों के भक्त गए। सिद्धार्थ ने कहा, वर्धमान तुम्हारी मां के साथ आज मैं बात कर रहा था और तुम्हारी मां की भी भावना है और मेरी भी भावना हो रही है कि अब हमें जीवन का अंतिम सार निकालना चाहिए। वर्धमान ने अंतिम सार की बात सुनी तो कहा, क्या संलेखना संथारा? कि हाँ। वर्धमान ने कहा, पिताजी आप ऐसी बात मेरे सामने मत करो, मैं आपके वियोग की बात सुनना नहीं चाहता। आखिर पिता ने कहा, वर्धमान तुम तो बड़े संबुद्ध युवक हो, तुम जानते हो ना एक दिन तो सबको जाना ही होता है, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे माता पिता की अच्छी गति हो, तुम्हारे माता पिता जल्दी मोक्ष में जाएं, क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? ऐसा तो चाहता हूं। ऐसा तुम चाहते हो तो तुम्हें इतना क्या भय है, तुम क्यों अनिच्छुक हो रहे हो संथारे की बात से? पिता पुत्र में वार्तालाप चला, आखिर पिता की बात युक्ति संगत थी। आखिर वर्धमान ने कहा, ठीक है पिताश्री, मैंने कुछ मोहवश कह दिया था, परंतु आपका चिंतन वास्तव में ठीक है, आपको आत्मकल्याण की दृष्टि से विचार करना ही चाहिए और अब संलेखना की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जैन धर्म जीने की कला सिखाता है तो वह मरने की कला भी सिखाता है। मरना कैसे चाहिए? विनोबा जी ने जैन धर्म के सिद्धांत के अनुसार मरण का वर्णन किया था, संथारा किया था। इंदिरा जी से कहा गया कि बाबा के अनशन को तुड़वा दो। इंदिरा जी बोली, बाबा के अनशन को तुड़वाना मेरे वश की बात नहीं है। तो माता पिता ने अनशन स्वीकार किया और आखिर देह का परित्याग कर दिया, ऊर्ध्वगति में स्वर्ग में जाकर उत्पन्न हो गए। माता पिता का जो भी अंतिम संस्कार करणीय काम था वह संपन्न हुआ। वर्धमान एक दिन बैठे थे, सोचा कि मैंने गर्भावस्था में जो अभिग्रह धारण किया था कि माता पिता की विद्यमानता में दीक्षा नहीं लूंगा, अब वह बात तो संपन्न हो गई है, अब माता पिता रहे नहीं तो अब मुझे दीक्षा की बात आगे बढ़ानी चाहिए। कुमार वर्धमान का बड़ा भाई था नंदीवर्धन, चाचा था सुपार्श्व। वर्धमान ने नंदीवर्धन से कहा कि भाई जी, अब मैं तो दीक्षा लेना चाहता हूं। भाई ने कहा, वर्धमान तुम क्या बात करते हो, यह कोई दीक्षा की बात करने का अवसर है? अभी तो माता पिता जी का स्वर्गवास हुआ है, मैं उनके शोक से उबरा नहीं हूं और 2 वर्षों का मैंने राजकीय शोक भी घोषित कर रखा है, क्या तुम शोक काल के बीच में जाओगे? अरे तुम 28 वर्षों तक मां बाप के लिए रहे तो कुछ तो भाई के लिए भी रहो। बड़ा भाई पिता के समान होता है,
मोटा भाई तात समान, बड़ा भाई पिता तुल्य होता है। वर्धमान ने बड़े भाई की बात का भी सम्मान किया कि भाई जी ठीक है, नहीं ठीक क्या है वर्धमान, तुमने दीक्षा की बात कह करके घाव पर नमक छिड़कने का काम किया है, मैं दुखी तो था ही, मुझे और ज्यादा दुखी तुमने बना दिया। नहीं भाई जी कोई बात नहीं, आप बताओ मुझे और कितने दिनों तक रहना है। तो सोचकर भाई जी बोले वर्धमान, ज्यादा बाधक नहीं बनूंगा, कम से कम 2 वर्ष, 2 वर्ष और तुम मेरे पास रह जाओ, उसके बाद हम दीक्षा की तैयारियां कर लेंगे। ठीक है भाई जी, मुझे मंजूर है। बड़े भाई का भी कितना सम्मान रखा है, भाई भाई का कैसा संबंध होना चाहिए। भाई भाई आपस में लड़ भी सकते हैं और भाई भाई आपस में मैत्री के साथ भी रह सकते हैं। राम लक्ष्मण की बात आती है तो भाई भाई में कितना पवित्र संबंध और मैत्री संबंध होना चाहिए। संपत्ति का बंटवारा होता है तो भाई भाई में लड़ाई भी कभी कभी हो जाती है और बोलचाल बंद भी हो जाती है। स्वार्थ जहां गौण हो जाए वहां मैत्री संबंध रह सकता है और जहां स्वार्थ हावी होता है वहां प्रेम का संबंध भी टूट जाता है। जिनका राम लक्ष्मण का सा संबंध होता है और कभी कभी बंटवारे को लेकर के वे राम रावण जैसे भी बन जाते हैं। नंदी वर्धन और वर्धमान का कैसा भ्रातृ संबंध, इस एक घटना से हम अनुमान लगा लें कि बड़े भाई की बात को सम्मान दिया और लगभग 2 वर्षों तक और घर में रहना वर्धमान ने मंजूर कर लिया। श्री वर्धमान बोले कि भ्रातृप्रवर, मैं घर में तो रहूंगा पर मेरी जीवन शैली अपने ढंग की रहेगी, मैं साधनाशील गारहस्थ्य का जीवन जीऊंगा, मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, सचित्त पानी नहीं पीऊंगा, भूमि पर ही सोऊंगा और बंधु जनों के साथ परिवार के साथ अति स्नेह का प्रयोग नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन होगा और काय प्रक्षालन में भी अचित जल का प्रयोग होगा, इसके साथ साथ मैं बेले बेले पालना करूंगा। नंदी वर्धन का ठीक है, जैसे तुम्हें उपयुक्त लगे वैसे करते रहना। वर्धमान गृहस्थ सन्यासी जैसे बन गए, गारहस्थ्य में भी साधना। आखिर अब समय आता है प्रव्रजित होने का, तो बताया गया है नव लौकांतिक देव आते हैं, यह परंपरा मानी गई है तीर्थंकरों को दीक्षा के लिए, नव लौकांतिक देव स्वर्ग से आकर के प्रार्थना करते हैं। देव आए और सामूहिक रूप में निवेदन किया कि महामानव अब समय आ रहा है, आपको आत्म उद्धार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और धर्म का प्रवर्तन करना चाहिए। उनका निवेदन स्वीकृत हुआ और वर्धमान ने दीक्षा के पूर्व होने वाला वर्षी दान प्रारंभ कर दिया। प्रतिदिन 1 प्रहर तक दान करके 1 दिन में 1,08,00,000 मुद्राओं का दान करते और पूरे काल में उन्होंने 3,88,80,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का दान किया था। अब वर्धमान के काका और भाई ने दीक्षा की तैयारियां शुरू की और दीक्षा का दिवस भी आ गया। वर्धमान ने स्नान किया, शरीर पर चंदन आदि का लेप किया गया, सुंदर परिधान पहना, अलंकारों आभूषणों से शरीर को सुसज्जित किया गया और शोभा यात्रा निकाली जानी है
तो देवों द्वारा निर्मित विशाल एवं भव्य चंद्रप्रभा नामक शिविका तैयार की गई, उसमें वर्धमान विराजित हुए। और शिविका को केवल मनुष्यों ने नहीं उठाया, देवों और मनुष्यों ने मिलकर के उसको उठाया। पूरे लाभ लश्कर के साथ जुलूस आगे बढ़ा, शिविका आगे बढ़ी। आगे बढ़ते बढ़ते जात खंड वन आता है, वहां अशोक वृक्ष के नीचे शिविका को स्थापित कर दिया जाता है। शिविका स्थापित होती है, वर्धमान उतरते हैं और अब अपने वस्त्रों अलंकारों को हटाते हैं वर्धमान। वह दिन था मृगसर कृष्णा दशमी का, दिन का तीसरा प्रहर। वर्धमान पूर्वाभिमुख स्थित होते हैं और अब वस्त्र उतार दिए, आभूषण उतार दिए। अब एक अलंकार और है, केश। केश भी एक अलंकार होता है, केशालंकार। साधु को तो विभूषा करनी नहीं होती है। एक हमारी जैन परंपरा में सुंदर व्यवस्था है कि मुंडित हो जाओ, फिर केशालंकार की बात समाप्त हो जाएगी। तो केशों को उतारना शुरू किया। तौणम समणे भगवन महावीरे दाहिणेनम दाहिणम वामेनम वामम पंचमुठियम लोयम करे, पंचमुठियम लोयम करित्ता सिद्धानम नमुक्कारम करे, करित्ता सब्बम मे अकरनिज्जम पावकम्मम तिकट्टु सामा इयम चरित्तम परिवज्जयी। केश उतारते हैं। आजकल तो केश नाई आदि वो उतार देते हैं, पहले ही थोड़े से बाल बचते हैं चोटी के, वे दीक्षा दाता के द्वारा आमतौर से लिए जाते हैं। परंतु वर्धमान ने किसी नाई से केशापनयन नहीं करवाया, खुद ने केश का लोच किया दीक्षा लेने से पहले। दाहिने हाथ से दाहिनी ओर के बाल, बाएं हाथ से बाएं ओर के बाल, यों मस्तक के कुल पांच भाग हो जाते हैं। दाहिना भाग, बायां भाग, या चोटी का भाग, आगे का भाग, पीछे का भाग। तो सारे बालों को अपनीत करते हैं, उनके बालों को थाल में लेकर के क्षीर समुद्र में प्रवाहित किया जाता है। दीक्षा स्वीकार कर ली, संकल्प स्वीकार कर लिया, सामायिक चारित्र को स्वीकार कर लिया। और दीक्षा स्वीकार की, उस दिन वर्धमान श्री के बेला था, बेले की तपस्या में संयम स्वीकार किया है। अब वे दीक्षित हो गए हैं। अब उनका संकल्प है